दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IBPS में बंपर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, IBPS की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर सुनहरा और बड़ा मौका निकला है। इसमें पोस्ट निकली है ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। जी हाँ दोस्तों, IBPS CRP RRB का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, बैंक वाइज और यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, क्या एग्जाम पैटर्न, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं IBPS रिक्रूटमेंट 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS के अंतर्गत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पोस्ट है इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। जहां दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर इसमें बात की जाए तो 10,466 है। यहां पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5,096 है जबकि ऑफिसर स्केल के लिए 5,370 है। हम आपको पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज वैकेंसीज नोटिफिकेशन से पूरी दिखाएंगे। यहाँ दोस्तों बात अगर इसमें सैलरी की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए 7,200 से 19,300 है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 14,500 से 25,700 है। ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर के लिए 19,400 से 28,100 है। ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए 25,700 से 31,500 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी में आपको नोटिफिकेशन से दिखाएंगे, आप वहां से मैच कर सकते हो, बाद में सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बात अगर इसमें आयु सीमा की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 वर्ष है जबकि ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष है। ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए 21 से 32 वर्ष है। ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। बात अगर इसमें एप्लीकेशन फीस की जाए तो यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹850 शुल्क के रूप में जमा करना होगा। SC ST PWD के लिए ₹175 है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन इसमें आपका होगा प्री एग्जाम, मेन ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। बात अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की जाए तो आप नोटिफिकेशन से सिंपली चेक कर सकते हो। फर्स्ट में आप मेन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए उसके लिए चेक कर सकते हो। रीजनिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है और साथ साथ हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। न्यूमेरिकली एबिलिटी के लिए भी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और टाइम यहाँ पर 2 घंटे का है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आप देख सकते हो रीजनिंग के लिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इनके लिए भी आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है और यहाँ पर 50 मार्क्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए है। टोटल 200 क्वेश्चन हैं, 200 मिनिमम यहाँ पर मार्क्स है, 2 घंटे का इसके लिए टाइम है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न की और भी जानकारी दी गई। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए देख सकते हो। रीजनिंग के लिए भी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। इसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 40-40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रेशन के लिए भी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 2 घंटे का इसके लिए टाइम है। ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। हिंदी लैंग्वेज के लिए भी सेम है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए सेम है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। 240 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है। 2.5 घंटे का यहाँ पर, 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर सेम जानकारी है। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, 2 घंटे का टाइम है, टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 200 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है। तो दोस्तों ये पूरा एग्जाम पैटर्न है जो आप सिंपली यहाँ से रीड कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए। बात अगर इसमें अप्लाई मोड की जाए तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 8 जून 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 जून 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 जून 2021 है। कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन प्री एग्जाम के लिए जुलाई या अगस्त 2021 में। ऑनलाइन प्री एग्जाम की डेट अगस्त 2021 में है। रिजल्ट डिक्लेयर होगा ऑनलाइन प्री एग्जाम का सितंबर 2021 में। कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन मेन या सिंगल एग्जाम के लिए सितंबर 2021 में। मेन या सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा हेल्ड सितंबर या अक्टूबर 2021 में। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज पे आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहीं पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। यह दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यहाँ दोस्तों RRB CRP नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। IBPS.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेटिंग बैंक देख सकते हो RRB। आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दी गई है, जो यहाँ पर बैंक रहने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट है, आप टेबल से सिंपली चेक कर सकते हो। बात अगर एलिजिबिलिटी की जाए तो नेशनलिटी या सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जून 2021 से की जाएगी। सभी पोस्ट के लिए आयु सीमा आपको यहाँ पर डिटेल्स में दी गई है, जो हम आपको पहले भी अपने पेज से जानकारी दे चुके हैं पोर्टल के। बात अगर आयु सीमा में छूट की जाए तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए भी 3 साल की है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है, EX Serviceman के लिए भी देख सकते हो। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट मिल रही है। बात अगर यहाँ पर ओल्ड नेक्स्ट लेवल यहाँ पर प्रोसीजर की जाए तो आप यहाँ से स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर बाकी का क्राइटेरिया भी डिटेल्स में दिया गया है। गाइडलाइंस के साथ साथ में आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी दी गई है, जो आप सिंपली यहाँ से रीड कर सकते हो। बात अगर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जाए तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ से सभी पोस्ट के लिए डिटेल्स में पूरी जानकारी चेक कर सकते हो और सिंपली बाद में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप एलिजिबिलिटी सिंपली मैच कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो एप्लीकेशन फीस की आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए पैटर्न आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज पूरा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मेन ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी और प्री ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी पूरे पैटर्न की डिटेल्स आपको यहीं पर डिटेल्स में दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए भी सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ से सिंपली सभी इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हो कि कैसे आप फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करोगे ऑनलाइन करते समय, कितने के भी में आप अपलोड कर सकते हो, वो डिटेल्स भी आपको इसी PDF में मिलने वाली है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप ये पूरी PDF यहाँ से सिंपली रीड कर सकते हो। आपको डेट का पूरा यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है, आप यहाँ से सिंपली पूरी डेट की जानकारी चेक कर सकते हो। और साथ साथ बात अगर वैकेंसीज की जाए तो RRB वाइज आप यहाँ से पोस्ट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर आंध्रा साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो सभी बैंक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की पूरी जानकारी दी गई है। टोटल आप यहाँ से वैकेंसीज सिंपली चेक कर सकते हो, आपको टोटल वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज और बैंक वाइज आपको कंप्लीट वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की भी पूरी लिस्ट दी गई है। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत सभी स्टेट के अंतर्गत यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, आप सिंपली इस PDF से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डिटेल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। बात अगर अप्लाई ऑनलाइन की जाए तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक हमारे पोर्टल पर दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर विजिट करके अप्लाई ऑनलाइन फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑफिस असिस्टेंट का ये अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में या फिर लॉगिन करने के बाद में सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सभी इंस्ट्रक्शंस भी आप यहीं से रीड कर सकते हैं अप्लाई करने के। इसी तरह यहां पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए लिंक पर क्लिक करके आप इस पोस्ट के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इसी तरह यहां पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड थर्ड के लिए यहां पर पोर्टल दिया गया, इस पोर्टल से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल आप यहां से ऐसे RRB IBPS के इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।